शुरू करते हैं। सबसे पहले बात लखनऊ से बड़ी खबर की, यूपी की नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी में आईएएस वीक कैंसिल कर दिया गया है, यूपी में आईएएस वीक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें 14 से 16 दिसंबर में यह कार्यक्रम आयोजित होना था, यूपी आईएएस वीक अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। आईएएस वीक के लिए नए कार्यक्रम का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी, आईएएस वीक कैंसिल कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेन जी, जिस तरह से पहले कार्यक्रम घोषित किया गया था, अब कैंसिल कर दिया गया, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से पहले टाइम भी निर्धारित कर दिया गया था जी, 14 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में आईएएस वीक होगा जी, और 3 दिन तक ये चलता है जी। लेकिन अचानक ये कार्यक्रम रद्द किया गया है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे जी, और उसके बाद क्या स्थितियां बनेंगी राजनीतिक, उन सब हालातों के मद्देनजर ऐसा लगता है कि आईएएस भी कैंसिल किया गया है जी। या सरकार का हो सकता है कि इसकी डेट आगे बढ़ाने के चाहती हो सरकार, तो ये आगे कोई और स्थिति भी निर्धारित हो सकती है। लेकिन सारी तारीखों का ऐलान होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है यूपी के इतिहास में कि आईएएस को कैंसिल करना पड़ा है। हालांकि अभी संघ के अध्यक्ष और सचिव अभी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द अगली तारीखें घोषित होंगी। जी वीरेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से हमारे पास एक और आ रही है, यूपी के ट्रैफिक विभाग में